तो ऑलमोस्ट सुनसान है। एक्सएफ एक दो गाड़ी को छोड़ के जो एसेंशियल कमोडिटीज या एसेंशियल सर्विस या पुलिस वाले हैं जो अपना ड्यूटी करके वापस जा रहे हैं या कुछ ड्यूटी के लिए आ रहे हैं। अदरवाइज ये लॉकडाउन बहुत ही इफेक्टिव हो गया है, स्पेशली 144 का बाद तो और भी इफेक्टिव हो गया। लोग शायद 144 को ही समझते लगते हैं, लॉकडाउन का ऑर्डर को इतना इनका कॉन्सेप्ट में नहीं आता शायद ज़्यादा। लेकिन पब्लिक का कोऑपरेशन अच्छा है, बस एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो बार बार कल भी बोला कि गैस का प्रॉब्लम हो रहा है एलपीजी का, कि हमको गैस दिला दो, गैस दे, तो हम बोलता है कि हम लोग पुलिस वाला तो गैस दिलाने का हमको ना ड्यूटी दिया है, ना पावर है, ना ऑथोराइजेशन है, तो हम गैस और प्लस गैस के लिए अलग से फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है और इनका अंदर में बहुत एजेंसीज है जो सप्लाई करते हैं। फिर भी गैस का थोड़ा पब्लिक को लगता है बहुत दिक्कत पड़ रहा है, उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक ऑफ सीरियसली करना चाहिए। और जो फोन करते हैं उसको भी इन लोग उठाना चाहिए। पब्लिक का ये भी बहुत बड़ा कंप्लेन है कि फोन नहीं उठाते इन लोग, फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर्स और जो गैस एजेंसी का जितना भी स्टाफ है, इन लोग फोन उठा के भी बताते नहीं है कि कहाँ कब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो थोड़ा बताने से ठीक है कर रहे। और लकीली उनके शायद आपको भी डॉक्टरों ने बताए होंगे जो फर्स्ट टेस्ट है वो भी निगेटिव आया है, लकी फॉर आवर इटानगरियंस, और सेकेंड टेस्ट भी निगेटिव आया सभी का, एंड दिस इज ए गुड न्यूज। लोगों से विनती है, देखिए एक तरफ से हमारा देश बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर, थैंक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट ने फटाफट लॉकडाउन का डिसीजन लिया उसका असर बहुत पड़ा है। तो हम लोग परसों भी देख रहे थे, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता 8 लेक्स 9 लेक्स इन्फेक्शन होने का चांस है अप टू 14 अप्रैल, लेकिन लॉकडाउन का वजह से हमारा जो इन्फेक्शन रेट बहुत कम है कंपेयर टू अदर जो अपने को बहुत डेवलप्ड कंट्रीज बोलते थे। यू कैन सी इन द न्यूज ऑल्सो, डेली न्यूज बुलेटिन आप देखते हैं, हमारा देश का अभी तक 5000 जैसा ही है इन्फेक्शन जो अभी तक ऑफिशियल फिगर आ रहे हैं। बाकी कंट्रीज में यूएसए जैसा में भी 3 लेक जैसा हो गया, तो हम कुछ नसीबे, ये ओनली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो इसलिए हम सब लॉकडाउन अगर एक्सटेंशन भी होता है सब कोऑपरेट करना है। हाँ, हमारा ड्यूटी होगा, हमारा मतलब गवर्नमेंट का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ड्यूटी ये होगा कि आपको टाइम टाइम में आपको एलपीजी पहुंचाना, राशन पहुंचाना, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा। और हम पुलिस वाले तो रास्ता पे रहेंगे ही ताकि आप वायलेशन करके आना जाना ना करें और इन्फेक्शन रेट को ना बढ़ाए। उनको कहीं में पनिश किया गया जो डिलीवरी बॉयज हैं, जबकि वो डिलीवरी करने जाते हैं, ड्रेस में जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे उसको? मैं तो इवन हेलमेट सेलमेट चेकिंग करना मैंने मना किया हूं, क्योंकि हम अभी ट्रैफिक वायलेशन का चेकिंग नहीं कर रहे, हम अभी चेक कर रहे हैं लॉकडाउन का और 144 का। इसलिए डिलीवरी बॉयज उनको फ्री मोमेंट अलाउ करना है, मैंने सबको ऑलरेडी पहले से बोल दिया हूं, उनका वजह से लोग रास्ते में नहीं आते। अगर डिलीवरी बॉयज नहीं होता, होम डिलीवरी बॉयज नहीं होता, तो रास्ते में सब आ जाएंगे एक एक चीज के लिए भी। लेकिन हाँ, अगर मेरा लड़का अपना लाठी का मिसयूज कर रहे हैं, अपना पावर का मिसयूज कर रहे हैं, किसी को हरास कर रहा है, किसी को असोल्ट कर रहा है, क्योंकि किसी को असोल्ट करने का आज का सिविलाइज नेशन में, सिविलाइज मॉडर्न एज में किसी को हाथ लगाने का किसी को पावर नहीं। बस पावर सिर्फ तब होगा अनलॉफुल असेंबली जब डिस्पर्स कर रहा है, या अपना सेल्फ डिफेंस में आपको कोई अटैक कर रहा है, उसमें तो पुलिस का भी सेल्फ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है। उसको छोड़ के अगर कोई अकेला में जा रहा है, किसी को कोई अनलॉफुल असेंबली नहीं है, या 2 आदमी जा रहा है अनलॉफुल असेंबली नहीं है, तो उसको तो हम मारपीट करने का नहीं बनता है। अगर वो वायलेट कर रहा है उसको थाना में ले जाओ, बिल्कुल सजा देना है उनको, लाठी से ज्यादा उसको तो तकलीफ होगा बाद में, 1 साल जब जेल में बैठेगा तब वो पता चलेगा। उसका गाड़ी को सीज करो, पैदल मार्च करेगा तो वो 1 लाठी से तो पैदल मार्च करना तकलीफ लगेगा।